सिर्फ पंजाब में थी, क्योंकि अगर बीच में कोई बारिश हो जाती तो मौसम का सुधार हो जाता। तो जय श्री राम दोस्तों, बारिश हुई नहीं है और मौसम अभी तक वैसे ही चल रहा है। थोड़ी सी मौसम में क्लैरिटी हुई है और लग रहा कि आने वाले दो चार दिन में या इस ही वीक में बारिश अपना रंग दिखाएगी। मौसम बन रहा है बारिश का, आप देख सकते हैं सामने हल्के हल्के बादल आपको दिखा रहा हूँ। ये बादल अपने आप में एक संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दो चार दिन में, छः दिन में बारिश बरसेगी, और बारिश इतनी बरसेगी कि दो दिन मेरे हिसाब से बारिश अपने आप को बिल्कुल ज़ोर से बरसेगी और सबको तसल्ली कराएगी और मौसम को पलटी देगी और मौसम साफ रहेगा और ठंडा रहेगा। आने वाले दिन की ये संभावना देखने को मिल रही है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। आप अपने राज्य के बारे में, आप अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और आप यहाँ कहाँ भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपके वहाँ के हालात कैसे हैं और वहाँ का मौसम कैसा है और मेरे दोस्त सब लोग कैसे हैं। तो जय श्री राम। तो जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आज चैनल पर, कुलदीप कुमार भक्ति गीत, आपका अपना चैनल, बड़ा अद्भुत चैनल जिसमें हमेशा धार्मिक बातें की जाती हैं, अच्छे संकेत सुनाए जाते हैं, जय श्री राम को याद किया जाता है, जय श्री प्रभु को याद किया जाता है। माता रानी का अपना चैनल कुलदीप कुमार भक्ति गीत, जलंधर पंजाब से। तो दोस्तों, आप हमेशा आपका प्यार, आपका साथ, आपका हर आपका आशीर्वाद जो है वो हमें चाहिए और मिल रहा है और मिलता रहे। मैं आप लोगों के हमेशा आगे यही एक अर्ज़ करूँगा कि आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखना, बरसाए रखना, और साथ साथ आपके आशीर्वाद के साथ साथ हमें आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, और आपके प्यार से ही हम आज तक खुलकर आपके सामने हर बात कहते हैं, करते हैं। और जय श्री राम दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज, एक्चुअली मैं संडे था, शाम का समय है, सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ एक बार लाइव जुड़कर दिल का हाल पूछा जाए और दिल का हाल सुनाया जाए, क्योंकि आज वीकेंड में वैसे भी ऑफिस में काम बहुत कम होते हैं। इसलिए दोस्तों चाह कि आपसे मिलकर एक बात हो जाए और मौसम के बारे में जानकारी भी और ठंड के बारे में भी आप लोगों को आगाह किया जाए कि हमारे पंजाब में लगातार एक महीना 26 दिसंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक कंटिन्यू कड़के की, तड़ाके की जैसे कहते हैं, ज़ोरदार ठंड पड़ी है और उसका सामना हम लोगों ने किया है। और आज हम अपने आप में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि दो दिन से मौसम ने थोड़ा सा अपना रंग चेंज किया हुआ है, दो दिन से मौसम ने अपने आप को बदला हुआ है, और हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवाएं भी माड़ी माड़ी चलती हैं, लेकिन फिर भी मौसम साफ़ हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया है और दिन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गए हैं। पहले 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, आप देख सकते हो मेरे पीछे सामने बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया, तो अभी 6 बज चुके हैं और समझ लो अंधेरा नहीं हुआ, इसलिए दिन भी बड़े हो गए हैं और रातें छोटी होने शुरू हो गए मेरे दोस्तों। इसलिए आप जहाँ कहाँ भी हैं सेफ़ रहें और अपना प्यार बरसाते रहें, अपनी दोस्ती जारी रखें, और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपके प्यार से हम आज आपके सामने, आपके बीच हंसते खेलते आपसे बातें करते हैं, और आप लोगों का भी, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भैया हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको हमेशा अच्छा लगेगा और हम अच्छे लगने वाली ही बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, धार्मिक बातें करेंगे, और आप हमेशा जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, आपका साथ, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा एक प्यार है, और हम हमेशा आपके साथ बातें करते हैं, खुश रहते हैं, और आप लोग भी हमेशा खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा, और शाम सुबह मौका मिले तो अपने इष्ट देव को, भगवान को, श्री राम प्रभु जी को, माता रानी को, हर हर महादेव जी को, श्री राधे कृष्ण जी को,
भोलेनाथ जी को याद जरूर करें, क्योंकि उनका हाथ सिर पे है। तो कहीं घबराने की दोस्तों कोई लोड़ नहीं है।